उत्तर प्रदेश के उन्नाव में राम नवमी के दिन एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब का आदर्श रूप देखने को मिला। उन्नाव में एक तरफ मस्जिद में आजान तो दूसरी तरफ मंदिरों में कथा पुराण होती है। राम नवमी के अवसर पर भी पूरे शहर में राम जी की सवारी निकाली गई। इसी बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि राम जी की सवारी है, रज्जाक मियां सारथी बने हैं। यही तो वो बात है कि क्यों हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनानो मिस्र और रुमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। जी हां, जिस रथ में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान सवार थे, उस रथ की बागडोर रोजा रखने वाले मुस्लिम समुदाय के एक शख्स के हाथों में थी। ये तस्वीर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल बन गई है, जहां आए दिन धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है और मजहब के नाम पर लोगों के बीच दूरियां बढ़ाए जाने का काम किया जा रहा है। उसी बीच ऐसी तस्वीर का वायरल होना अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि भारत एक ऐसा देश है जहां धार्मिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अपनी वास्तविक भावना से समृद्ध हुआ है और अपने नागरिकों की पहचान बन गया है। आपसी भाईचारे और एकता की मिसाल पेश करने वाले उदाहरण सामने आते रहते हैं। कई लोगों ने इस तस्वीर को शेयर किया है, जहां एक तरफ राम नवमी के अवसर पर देश में कुछ जगहों पर दो अलग अलग समुदायों के बीच हिंसा हुई, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर है जिसकी तारीफ की जा रही है। देश में अभी भी उन्नाव जैसे राज्य गंगा जमुनी तहजीब की परिचायक है और असली हिंदुस्तान यही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।